नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजू हेल्प में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आउटसोर्सिंग भर्ती जेम पोर्टल के बारे में। दोस्तों जेम पोर्टल से भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया, जैसा कि आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भाई जेम पोर्टल से कब भर्ती शुरू हो रही है। तो दोस्तों ये वीडियो हमें कई दिन पहले बना देना चाहिए था, लेकिन हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। दोस्तों आज इस वीडियो को हम इसीलिए बना रहे हैं, दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको जेम पोर्टल जो भर्ती हो रही है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको किस तरीके से उसमें आवेदन करना है। तो इसके बारे में आगे वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल से बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे हमारे चैनल पर आने वाली इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि हमारे इस चैनल पर आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों से रिलेटेड, आंगनवाड़ी आशा कर्मचारी से रिलेटेड, प्राइवेट कर्मचारियों से रिलेटेड और नियमितीकरण और सैलरी इंक्रीज के रिलेटेड भी दोस्तों वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपको गूगल ओपन कर लेना है, चाहे आप मोबाइल में या फिर लैपटॉप या पीसी में ओपन करें। दोस्तों आपको सर्च करना है सेवा आयोजन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करना है। सेवा आयोजन डालेंगे तो वहाँ पर आपको रोजगार संगम का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप सेवा आयोजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो इस तरीके के सामने आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे जॉब सीकर का, और यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन मिलेगा आउटसोर्सिंग ऑब्लिक प्राइवेट जॉब का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक दो सेकंड का लोडिंग लेता है। तो इस तरीके से आने के बाद दोस्तों आपको सामने फिर इस तरीके का कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर आउटसोर्सिंग नौकरियाँ, प्राइवेट नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ, रोजगार मेला, तो यहाँ पे आपको आउटसोर्सिंग नौकरियों पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दोस्तों ये आउटसोर्सिंग जो भी वैकेंसियाँ अपलोड होती हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से लगभग यहाँ पर दोस्तों अभी 10 वैकेंसी यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहले हम वैकेंसी के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे जो पहली वैकेंसी है इसकी दोस्तों अंतिम तिथि है 2/12/2020, यानी 2 दिसंबर 2020 है। तो इसमें योग्यता मांगी गई है बीकॉम और सीसी, ये बेसिक शिक्षा की वैकेंसी है, और इसमें जो मासिक वेतन है 11,600 रुपये दिया है। यहाँ पे विज्ञप्ति पे जानने के लिए दोस्तों आपको रिक्त विवरण पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब तक कोई आवेदन नहीं किया गया है, अगर आप आवेदन करना चाहते तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन कैसे करना है, आपको रिक्त विवरण पर जाना है, और इस तरीके से जाने के बाद आप सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख कंप्यूटर, यहाँ पे दिया है कंप्यूटर की जो भी योग्यता मांगी गई है वो वहाँ पे दिखा दी गई है आपको, और एक इस पोस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट भी दी है, एक असिस्टेंट अकाउंट की पोस्ट है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दोस्तों भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों वापस चलते हैं और हम दूसरी वैकेंसी की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरी वैकेंसी भी आपको जूनियर इंजीनियर की मिल जाएगी, इसकी अंतिम तिथि 2/12/2020 है, इसमें ए बी बेसिक शिक्षा विभाग की है, और इसकी दोस्तों अगली वैकेंसी असिस्टेंट अकाउंटेंट की, ये भी बेसिक शिक्षा विभाग की। दोस्तों ये अलग अलग जिलों से है तो अलग अलग दिखा रहे, तो यहाँ पर भी अभी कोई आवेदन नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्राम विकास विभाग की है, यहाँ पर एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर यानी APO की वैकेंसी है, इसकी अंतिम तिथि दोस्तों 27/11/2020 है, और इसमें योग्यता मांगी गई है MCOM, MBA और MCA, MSW। दोस्तों ये योग्यता मांगी गई, इसमें वेतन 28,000 है, और यहाँ से दोस्तों आज आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ पे 30 आवेदन अभी तक हो चुके हुए हैं। इसके बाद दोस्तों इसी तरीके से एक वैकेंसी बेसिक शिक्षा विभाग की और है, यहाँ पर दोस्तों है जूनियर इंजीनियर सिविल की, इसी तरीके से असिस्टेंट अकाउंटेंट की, और इसी तरीके से दोस्तों आपको काफ़ी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।